दोस्तों, सिल्क की साड़ी और सिल्क के कपड़े दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। सिल्क के धागों का निर्माण दोस्तों सिल्क वॉर्म से किया जाता है। ये सिल्क वॉर्म सिर्फ 2 से 3 दिनों तक ही जीवित रहते हैं और इतने कम समय में ही मादा रेशम कीट जो होती है वो शहतूत की पत्तियों में 300 से 400 तक अंडे दे देती है। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी होता है। दुनिया भर में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। सिल्क का धागा दोस्तों एक तरह का प्रोटीन होता है, जबकि जूट और जो कपास का धागा होता है वो एक तरह का सेल्यूलोज होता है। सिल्क वॉर्म का निर्माण जो होता है वो कोकून के अंदर होता है, लेकिन सिल्क प्राप्त करने के लिए कोकून के अंदर रेशम कीट का निर्माण होने के पहले ही कोकून को गर्म पानी में उबाल दिया जाता है और रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है।